फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया बार्टन चैनल और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज पाव भाजी की रेसिपी। तो पाव भाजी बहुत ही फेमस पॉपुलर स्ट्रीट फूड तो है ही इंडिया का, साथ साथ मुझे बहुत पसंद है ये, क्योंकि पर्टिकुलरली इसमें मैं इस्तेमाल कर पाती हूँ वेजिटेबल्स का अच्छी क्वांटिटी में, जो कि बना देता है इसको टेस्टी के साथ साथ न्यूट्रिशियस भी। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। मैंने एक प्रेशर कुकर में पहले 4 मीडियम साइज़ के आलू अच्छे से पील करके धो लिया है इन आलूओं को, और उसके बाद वो आलू डाल दिए बिल्कुल साबुत। और उसके अलावा मैंने सब्जियों का इस्तेमाल करा है, जैसे कि गोभी, लौकी और गाजर का। और भी सब्जियां हम इस्तेमाल करेंगे लेकिन उनको हम प्रेशर कुक नहीं कर रहे हैं, प्रेशर कुक हम सिर्फ इन्हीं सब्जियों को कर रहे हैं। तो नमक डाल दिया थोड़ा सा टेस्ट के लिए, ताकि सब्जियां बिल्कुल फीकी ना रहें, और आधा कप पानी डाल दिया है इसमें। जो सब्जियां मैंने इस्तेमाल करी हैं, 100 से 150 ग्राम के करीब आप सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अपनी नीड के अकॉर्डिंग ज़्यादा आप न्यूट्रिशियस इसको बनाना चाहते हैं और भी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देख सकते हैं, 3-4 सीटी लगा ली है, उसके बाद चेक कर लिया है गाजर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है और आलू भी। तो आलू को अलग से निकाल के मैंने रख लिया है और बाकी सब वेजिटेबल्स को एक प्रेशर कुकर में ही रहने दिया है। गरम जो पानी आप देख सकते हैं अभी भी भाप आ रही है इसमें। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया 1 कप फ्रोजन मटर है मेरे पास, इसलिए मैंने उसको प्रेशर कुक नहीं करा है। अगर आप फ्रेश मटर का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसे प्रेशर कुक कर सकते हैं। फ्रोजन मटर को 10 मिनट तक भाप में ही ढक के छोड़ दूंगी मैं, और उसके बाद मैश करना शुरू करेंगे इन सब्जियों को। तो बस 10 मिनट तक मैंने इसको इसी तरीके से रखा था, और अब उसके बाद मैं बस एक मैशर के इस मदद से इसको अच्छे तरीके से मैश करती जा रही हूँ, ताकि सब चीज़ें अच्छे से घुट जाएं, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं भाजी, और भाजी जितनी ज़्यादा घुटी हुई होती है उतनी ज़्यादा डिलीशियस लगती है। तो अब मैंने 1/4 कप तेल एक कढ़ाई में गर्म कर लिया, उसमें 1 चम्मच जीरा डाला है, 1 मीडियम साइज़ की बिल्कुल फाइनली डाइस की हुई प्याज, प्याज को थोड़ी देर के लिए पका लिया मैंने 1 मिनट तक के लिए, और उसके बाद इसमें मैंने डाली है 1 शिमला मिर्च ली है मैंने छोटी, और उसको बिल्कुल फाइनली चॉप कर रखा है वो डाल दिए, और बस कुछ सेकंड से 1 मिनट तक के लिए इसको मैं इस तरीके से स्टर फ्राई करूंगी। और उसके बाद इसमें जा रहे हैं ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, बिल्कुल फाइनली चॉप किए हुए हैं, अच्छे लाल टमाटर का इस्तेमाल करा है मैंने, और बस उसको भी अच्छी तरीके से पका लेंगे। तो पहले इसमें नमक डाल देते हैं, और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ पाव भाजी मसाला, 3 से 4 अच्छे चम्मच भरकर मैंने इसमें इस्तेमाल करा है, 3-4 हीप्ड टीस्पून्स पाव भाजी मसाला के। बस थोड़ी सी मैंने इसके अंदर और डाल दी है कसूरी मेथी, और इसको हम चला लेते हैं। इस पाव भाजी मसाला को मैं और कोई भी मसाला नहीं डालूंगी, सिर्फ पाव भाजी मसाला, और बाद में तड़के में हम लाल मिर्च डालेंगे जो कि इसको कंप्लीट कर देगा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है उस तरीके से बनाएंगे आप। तो अब जो वेजीज़ हैं वो सारे वेजीज़ जो हमने मैश किए थे, थोड़े मैंने मैश कर लिए हैं और थोड़े अब पकाते पकाते हम करेंगे, तो वो वेजीज़ हमने इसमें डाल दिए हैं जो हमने उबाल कर तैयार करके रखे थे। और साथ साथ अब मैं इसमें डाल दूंगी जो आलू थे, आलू जो हमने सेपरेट किए थे उसको मैंने मैश कर लिया थोड़ा ठंडा करके, और अब हम इसको घोटेंगे, क्योंकि आलू जब हम ऐड कर देते हैं तो एक बहुत ही अच्छा थिकनर हो जाता है आलू इस पूरी ग्रेवी में, तो थिक जब ग्रेवी हो जाती है तो उसको मैश करना बहुत आसान हो जाता है, और क्योंकि ये सब चीज़ें हैं बॉइल्ड और पकी हुई तो बहुत ही आसान है इसको अब मैश करना। तो ये देखिए, बस इस तरीके से अब थोड़ी सी करनी है हाथों की एक्सरसाइज, मतलब कि इसको लगातार आप मैश करते जाएं, क्योंकि जितना अच्छा मैश हो जाएगा ये उतनी क्रीमी वेलवेटी बनती है ये ग्रेवी, एकदम जैसे बोलते हैं मलाईदार सी बन जाती है। ये देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया तरीके से मैश हो चुकी है ये। तो बस इस तरीके से थोड़ी सी देर में इसको और मैश करूँगी, और उसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे तड़का और तैयार करेंगे हमारे जो पाव हैं वो। तो बस भाजी को दूसरी गैस पे मैंने शिफ्ट कर दिया है, थोड़ा सा उसको और घोटती जाऊंगी मैं, और साथ साथ अब तड़का प्रिपेयर करते हैं। मैंने एक कढ़ाई में 1/4 कप तेल गरम करा है, जिसमें डाला है 2 से 3 चम्मच बटर, आप चाहें तो ज़्यादा बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा आपका नीड है, जैसा आपका चॉइस है वैसा आप कर सकते हैं। साथ साथ 2-3 अच्छी चॉप करके फाइनली लहसुन की कलियाँ डाल दी हैं इसमें, और उसको हल्का सा भूनने के बाद 1 मीडियम साइज़ की प्याज डाल दी है। प्याज को भी स्टर फ्राई करेंगे अब, जब तक कि बिल्कुल इसका कच्चापन नहीं चला जाता। जैसे ही ये हल्की सी ट्रांसलूसेंट होनी शुरू हो गई है, मैंने इसमें डाल दिए हैं 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च के। तो बस इसको अब हम चलाएंगे फटाफट, हल्का सा मैंने इसमें पानी डाल दिया ताकि लाल मिर्च जो है हमारी एकदम से जले ना। तो बिल्कुल कोई कलर का इस्तेमाल नहीं करा है इसमें, सिर्फ लाल मिर्च से ही इतना बढ़िया कलर आएगा इसमें। हल्का सा पानी डालें भाजी को थोड़ा इसकी कंसिस्टेंसी सेट करने के लिए, और साथ साथ इस तड़के के हिसाब से आप इसमें डालें भाजी, और बस इस तरीके से तड़का लगाएं इसमें, और गर्मा गर्म तैयार है हमारी भाजी बनकर।
तो जो बॉइल्ड वेजीज हमने अलग से बनाकर कढ़ाई में तैयार करें आप ऐसे ही बनाकर रख सकते हैं, और जब किसी को सर्व करें तो गर्मा गर्म उस पर तड़का लगाएं और आप उसे सर्व कर सकते हैं। जैसे कि रोड साइड आपने देखा होगा भाजी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहती है, फटाफट से तड़का लगाते हैं, मस्का लगाते हैं बन पे अच्छी क्वांटिटी में और बस उसको सर्व कर दिया जाता है आपको गर्म गर्म। तो ये बनकर तैयार है हमारी बढ़िया भाजी, जिसको मैं थोड़ा सा और घोट रही हूँ बिल्कुल क्रीमी सा इफ़ेक्ट देने के लिए। तो ये बिल्कुल रेडी है, अब चलते हैं तैयार करते हैं अपने बन। तो बस हल्का सा ग्रीस कर लिया है मैंने ये पैन बटर से, और अब ये मैंने बन ले लिए हैं जिसको मैं इस तरीके से, ये लड़ी पाव बन्स होते हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर पाव भाजी के लिए। तो बस हल्का सा बटर आप इसके ऊपर भी लगा दें इस तरीके से, जिससे कि बड़ी अच्छी ग्लॉसी सी अपीयरेंस आ जाती है बन्स पर। तो ये लग गए हैं पाव हमारे, और अब डाल रहे हैं भाजी, साथ साथ थोड़ी सी इसमें जाएगी ये कटी हुई प्याज, मक्खन, कटा हुआ बारीक धनिया, हरी मिर्च और नींबू। बस तैयार है ये पाव भाजी प्लेटर, जो आपके दिल को कर देगा बिल्कुल खुश, क्योंकि मेरे तो मुंह में बहुत पानी आ रहा है। तो बहुत ही अच्छा रहता है पाव भाजी को स्पेशली घर पर बनाना, क्योंकि बहुत ही क्लीन तरीके से हम इसको अपने घर में प्रिपेयर करते हैं, साथ साथ इतने ज़्यादा वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, जिससे कि पौष्टिक भी बन जाती है ये। और दूसरी बात ये है कि जो बाहर इस्तेमाल होती है पाव भाजी, उसमें कलर का इस्तेमाल होता है, बहुत ही ज़्यादा बटर का इस्तेमाल होता है, तो हम वो सब चीज़ों को अवॉइड करके घर में बहुत ही न्यूट्रिशियस तरीके से बना सकते हैं और साथ साथ एक बढ़िया सा स्ट्रीट फूड भी इंजॉय कर सकते हैं। तो बस बनाइए इसे, अगर पसंद आई है ये रेसिपी तो इसे थम्सअप देना बिल्कुल ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग ईजी रेसिपी के साथ। गॉड ब्लेस, बाय बाय एंड टेक केयर।